कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती ख्वाब में आ जाती है। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आराध्या सोनी। इस बार मदर्स डे 8 मई को मनाया जाएगा। प्यार और ममता का प्रतीक मदर्स डे। माँ, माँ जो इस शब्द में ही हर किसी की दुनिया समाई है। माँ, यह शब्द कहने से ही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। यूँ तो माँ से प्यार जाहिर करने के लिए किसी खास वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर साल एक दिन को माँ के लिए समर्पित किया जाता है, जिसे मदर्स डे कहते हैं। मदर्स डे को सेलिब्रेट कर लोग अपनी माँ को ख़ास महसूस कराते हैं। इसे मनाने के पीछे माँ की निस्वार्थ सेवा, प्यार और बलिदान के बदले उन्हें सम्मान और धन्यवाद देना है। माँ, माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से, जिसका दुख हमारे दुख से। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है, लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ का प्यार सागर से गहरा और आसमान से ऊंचा होता है, जिसे मापना तोलना मुमकिन नहीं। हम खुशनसीब हैं कि हमें वो प्यार मिल रहा है। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो बात हम कहना भूल जाते हैं या कहने से हिचकिचाते हैं, वो कह सकें। माँ के प्रति अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय खुलकर बताने का ही तो दिन है मदर्स डे। माँ, मदर, जिसके नाम में ही प्यार होता है, जिसकी स्वभाव में ही ममता भरी होती है, उसे ही कहते हैं माँ, मदर। यानी M is for the million things you gave me, O means only that you are growing old, T is for the tears you shed to save me, H is for your heart of purest gold, E is for your eyes with love light shining, R means right and right you will always be, put them all together they spell mother, a word that means the world to me। माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, खुद माँ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं। यह सिर्फ एहसास है, एक माँ का एहसास।